कंजूस सासू माँ। इस प्यारे से शहर में एक बहुत ही आलीशान एक बंगला था। इस बंगले के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन रोशनी अपने दादी माँ से आती है और कहती है कि दादी माँ, मुझे पैसे चाहिए। दीपावली के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे मेरे पास। इस बार दीपावली में पहनने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं है। अगर आप मुझे पैसा दे दें तो मैं अपना कुछ कपड़े खरीद लूं। मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और मेरे पास कपड़े भी नए नहीं हैं पहनने के लिए। दीपावली में मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। कुछ ही पैसे अगर आप दे दें तो मैं दीपावली के लिए नए कपड़े खरीद लूँ और अपने बच्चों के लिए भी कपड़े खरीद लूँ, आपके लिए भी। तभी उसकी सास कहती है कि अरे ओ बहू, कितना कपड़े खरीदेगी, जानती नहीं है तू अपने घर की स्थिति, कैसी स्थिति है हमारी। अगर तुझे ही मैं सारे पैसे दे दूंगी कपड़े खरीदने के लिए तो ये घर कैसे चलेगा। तेरा पति भी ज़्यादा कमाता धमाता नहीं है, मैं क्या करूँगी बता। तभी वहाँ से रोशनी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और बाहर चली जाती है झाड़ू मारने के लिए दूसरे कमरे में। तभी उसकी सहेली आती है और कहती है कि क्या रोशनी बहन, तुम आज शॉपिंग करने नहीं चलोगी क्या, बताओ। गांव के बगल में आज दीपावली का त्यौहार है और वहां पर अपने मोहल्ले के सभी औरतें कपड़े खरीदने के लिए चली गईं। बस आप ही को मैंने देखा, आप ही नहीं गई कपड़े खरीदने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना आपके पास चलूं, आपके साथ कपड़े खरीदने के लिए मैं भी चलूं। अगर आपको चलना है कपड़े खरीदने के लिए तो बताइए, हम दोनों एक साथ चलेंगे कपड़े खरीदने के लिए। तभी वो दोनों बहुत देर तक बातें करती रहती हैं। तभी रोशनी कहती है कि नहीं बहन, मेरी सासू माँ मुझे पैसे देने से मना कर रही हैं, कह रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे साथ कपड़े खरीदने के लिए चलूँ। मेरी सासू माँ को तो तुम तो जानती ही हो कितनी कंजूस हैं। अगर वो चाहें तो जो चाहें वो करवा सकती हैं मुझसे। मुझे कभी पैसे नहीं देती कपड़े खरीदने के लिए। मेरे पति मुझे थोड़ा बहुत दे देते हैं कपड़े खरीदने के लिए पैसे। मेरी सासू माँ का बस चले तो वो खाना भी ना खाएं, इतनी ज़्यादा कंजूसी करती हैं। अब तुम ही बताओ, मैं तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें जाना हो तो जाओ बहन, मुझे माफ़ करना। तभी रोशनी बातें करने के बाद वो कहती है उसकी सहेली, ठीक है बहन, तुम मत जाओ, मुझे तो कपड़े खरीदने के लिए जाना ही है। मैं तो अपने सासू माँ से डरती नहीं हूँ, झगड़े कर लेती हूँ और पैसे तो मेरे ही पास रहते हैं। तभी वहाँ से वो चली जाती है और रोशनी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और अपने कमरे के अंदर चली जाती है। तभी रोशनी का पति अंदर आता है ऑफिस से और सासू माँ के कमरे में जाने लगता है। वहाँ पर जाता है और अपने माँ के पास कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी उसके लिए नींबू शरबत का पानी लेकर आती है और उसे पानी पीने के लिए देती है। तभी उसका पति कहता है कि क्या जी, तुम तो आज कपड़े खरीदने के लिए जाने वाली थी, नहीं गई क्या कपड़े खरीदने। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझसे कहती, मैं तो तुम्हें पैसे दे देता कपड़े खरीदने के लिए, एक बार भी तूने नहीं कहा। तभी रोशनी कहती है कि नहीं जी, सासू माँ से मैंने पैसे कुछ मांगे थे कपड़े खरीदने के लिए, सासू माँ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय अपने घर की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। तभी मैंने भी कहा कि जाने दो, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब मैं पुराने ही कपड़े में दीपावली मना लूँगी। और ये सब कहने के बाद वहाँ से वो चली जाती है रोशनी और बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका पति, रोशनी का पति कहता है कि क्या माँ, तूने फिर ऐसे आज किया, तुझे नहीं पता है हमारी
तुम्हारी बहू कितना अच्छी है और हम लोगों को कितना ख्याल रखती है, कितना सुबह शाम खाना बनाकर हम लोगों को देती है, घर का सारा काम वही करती है। उसे तो कुछ पैसे दे देने चाहिए थे ना कपड़े खरीदने के लिए, वो तो हमेशा पैसे मांगती नहीं है। एक दो बार पैसे मांग लेती है तो आप देती ही नहीं है, उसे पैसे दे देना चाहिए था। और अगर आप उसे थोड़े से पैसे दे देते कपड़े खरीदने के लिए तो आपका तो कुछ हो नहीं जाता। और ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से गरीब हैं, हमारा इतना बड़ा बंगला है, हमारे पास इतना सारा पैसा है, तभी भी आप कंजूसी करती हैं। तभी उसकी माँ कहती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम दोनों को समझ ना सकी बेटा, आज से मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हें मैं दूंगी और अपने पत्तों को भी दूंगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वो अपने पत्नी के पास चला जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और धोखेबाज दोस्त इस प्यारे से गांव में सभी लोग बातचीत और सभी बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे और सभी गांव वाले बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यवहार के लोग थे। इसी गांव में एक दो दोस्तों की जोड़ी रहती थी, एक का नाम श्याम था, दूसरे का नाम रमेश था। वो दोनों बहुत ही पुराने मित्र थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, रमेश कहता है कि अपने दोस्त से, तुम जाओ बाजार से सामान लेकर आओ खाने के लिए, आज घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, शाम को क्या बनेगा और हम लोग क्या खाएंगे, इसलिए तुम बाजार जाओ सामान लेकर आओ और मैं घर का सारा काम कर दूंगा, बहुत ही संभाल कर जाना और काम की चिंता मत करना, घर का सारा काम मैं कर दूंगा, तुम्हें बस सामान लाना है। तभी सुरेश कहता है कि ठीक है दोस्त, मैं बाजार का सारा सामान लेकर आऊंगा और तू घर का सारा काम कर देना, अगर कोई भी दिक्कत हो तुम्हें तो मुझे फोन करके कह देना, मैं कोई भी सामान लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तुम थोड़ा संभाल कर काम करना वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा। ये दोनों दोस्त आपस में ऐसे बातें करते रहते हैं। तभी सुरेश घर के अंदर झाड़ू मारने के लिए चला जाता है और रमेश सामान लेने के लिए। रमेश सामान लेने के लिए गांव से बाहर की ओर जाने लगता है और तभी वो दुकान की ओर पहुंच गया था। तभी बीच में उसे सेठ मिल जाता है और सेठ कहता है कि क्या रे रमेश, तू अभी भी यही काम करता है क्या? गरीबी में कब तक जीवन बिताएगा? कम से कम अमीर होने के तो बारे में सोचा कर, अगर अमीर नहीं होगा तो कैसे तेरी जिंदगी कटेगी? इसी गरीबी में तुम दोनों लगता है मर जाओगे। मैं तो तुझे कहता हूँ, सुरेश के माँ के गहने बेचकर तू उसे ले और अमीर बन जाएगा। तभी रमेश कहता है कि सेठ जी आप भी क्या बातें कर रहे हैं, मैं अपने फायदे के लिए अपने दोस्त को मार दूं और उसकी माँ के गहने मैं ले लूं, अगर ऐसा ही करना होता तो मैं पहले ही नहीं कर देता, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी सेठ कहता है कि तुझे तो समझाना बेकार है, तू अब जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। अगर तू मेरी बात माने तो तू सुरेश को मारकर उसके माँ के जो गहने सारे हैं ले ले, तब उसे बेचकर तू बहुत बड़ा अमीर बन सकता है। तेरे पास यही एक उपाय है। तभी रमेश कहता है कि ठीक है सेठ जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे, अगर मैं किसी को पता चल गया तो मैं तो पकड़ा जाऊँगा ना, वैसे भी वो तो मेरा दोस्त है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगा और मुझे अमीर बनने की बहुत दिन से इच्छा है,
और इस बार तो मैं अमीर बनकर रहूंगा। इतना सब कहने के बाद रमेश वहां से सेठ को लेकर अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी रमेश रास्ते में अपने दोस्त के बारे में सोचते हुए घर की ओर लौटने लगता है और घर के पास पहुंच जाता है। घर के अंदर जाता है तो वहां पर खड़े होकर अपने दोस्त को बुलाने लगता है। कहता है, सुरेश बाहर आओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी करो। बाहर आओ सुरेश, मैं देखो तुम्हें कहाँ ले जाने के लिए आया हूँ। तभी सुरेश बाहर निकल कर आता है और कहता है, क्या हुआ दोस्त, क्यों मुझे बुलाए, और तुम्हारे हाथ में कोई सामान भी नहीं है, तुम कोई भी सामान लेकर नहीं आए, हम शाम को क्या खाएंगे, तुम्हें तो मैंने कहा था सामान लाने के लिए, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, आज शाम को हम भूखे रहेंगे क्या। तभी रमेश कहता है कि नहीं दोस्त, आज मैं तुम्हें डिनर पे लेकर चलने वाला हूँ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, आज का खाना मेरे ही तरफ से रहेगा। तभी वो दोनों दोस्त चले जाते हैं। रमेश सुरेश को अपने साथ लेकर गांव से गुजरने लगता है और धीरे धीरे के कर कर वो लोग एक बहुत ही सुनसान तालाब के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद रमेश कहता है कि क्या दोस्त, तुम तो मुझे आज डिनर पर लेकर जाने वाले थे, तो तुम ये इस डरावने से सुनसान तालाब के पास मुझे क्यों लेकर आए, बताओ। तभी सुरेश कहता है कि तुझसे मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, तू अपने माँ के सारे गहने मुझे दे दे वरना तू मारा जाएगा। तभी वो निकाल कर चाकू अपने दोस्त को मारने लगता है और उसका दोस्त मर जाता है और वो बहुत जादुई घर। इस प्यारे से गांव में सभी लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। एक दिन की बात है, सुरेश अपने घर लौट कर आता है और अपने पत्नी से कहता है कि सुनती हो जी, मुझे दूसरा घर मिल गया, अब हम लोग सभी वहीं पर रहेंगे, अब हम इस कच्चे मकान में रहने की जरूरत नहीं है, अब हम बड़े से बंगले में रहेंगे, मैंने दूसरा नया घर खरीद लिया है, अब जल्दी से तैयारी करो वहां पर जाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग बहुत रह चुके हैं, यहाँ पर अब मेरा भी मन नहीं लगता। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हाँ जी, आपके बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग इस घर में रह कर एकदम पक गए हैं, अब तो हम लोगों को दूसरा घर खोजना ही पड़ेगा, वरना बारिश के समय में इसमें पानी भर जाता है और हम लोग खाना भी नहीं खा पाते, इसलिए हम लोग दूसरा घर में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी तैयार करती हूँ बच्चों को चलने के लिए। तभी वो लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं और उस घर को छोड़कर जाने लगते हैं और अपने घर के बाहर सभी लोग आते हैं और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगते हैं और गांव से निकलते हुए वो लोग अपने पुराने रास्ते वाले पे जाने लगते हैं और वो रास्ता पहाड़ की तरफ से गुजरता है। उस पहाड़ी रास्ते से ये सभी लोग अपने मकान की ओर जाने लगते हैं और जाते जाते शाम हो जाती है। तभी ये लोग अपने मकान के पास पहुंच जाते हैं और जैसे उसके ही अंदर जाते हैं तभी सुरेश कहता है कि ये घर ठीक है ना, देख लो अच्छे से, ऐसा घर कम कीमत में कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छा घर है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये घर तो बहुत ज़्यादा डरावना है, इसमें हम लोग कैसे रहेंगे, सारे बच्चे डर जाएंगे और रात में मुझे भी घबराहट होती है, इस घर में इतना ज़्यादा डर लग रहा है, तुम्हें और कोई घर नहीं मिला था, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तुम ये घर बदल दो, मुझे इसमें नहीं रहना है। तभी सुरेश कहता है कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये घर हमारे लिए एकदम सुरक्षित है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें कुछ देर बाद कुछ बताऊंगा और फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तभी वो लोग अंदर से उनके बच्चों की आवाज आती है और ये दोनों लोग दौड़ते हुए उस दूसरे कमरे में जाने लगते हैं।
वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी रो रही थी। अपने बेटी के पास सूरज जाता है, अपने बेटी को चुप कराता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा भाई कहाँ है छोटा वाला, और तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसकी बेटी कहती है कि पापा पापा पापा, वो चुड़ैल ना बाबू को लेकर गई और वो कह रही थी उसे मार डालेगी, तुम कुछ करो ना। मैं उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चुड़ैल उसको नहीं छोड़ रही थी। कह रही थी कि मैं इसे खा जाऊंगी, अगर आप उसे नहीं बचाएंगे तो चुड़ैल उसे खा जाएगी पापा। तभी वो सुरेश अपने बेटी को अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर भेज देता है और फिर कहता है, चुड़ैल तू कहाँ है, बाहर निकल। तभी चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और उसके साथ उसका बेटा भी रहता है। चुड़ैल से कहता है सुरेश की, तू मेरे बच्चे को छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा, मुझे पता है तेरी क्या कमजोरी है, तू अगर मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगी तो तू मर जाएगी। फिर चुड़ैल कहती है कि तू तो सही कह रहा है, लेकिन अगर तुम लोग ये घर छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, अगर अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ। तभी सुरेश कहता है कि मुझे पता था तू ये सब जरूर करेगी, इसलिए मैं पहले से इंतजाम किया था। और सुरेश उसे चुड़ैल से लड़ जाता है और चुड़ैल को मारने लगता है, चुड़ैल गायब हो जाती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से अपने घर के अंदर चला जाता। घमंडी पंडित। एक प्यारे से गांव में एक बहुत ही प्यारा एक घर रहता था। एक दिन की बात है, रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि अजी सुनती हो, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कोई सामान तुम्हें लाना है तो बता दो, मैं कोई भी सामान लेकर चला आऊंगा, बाहर तुम मत जाना बाजार लेने के लिए। तभी उसकी पत्नी कहती है कि घर में कोई भी सामान नहीं है खाने के लिए, आज क्या हमारे बच्चे खाएंगे? इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो लेकर आना ही होगा, क्योंकि हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आप आते वक्त कुछ लेकर आइएगा। तभी ये सब सुनकर रमेश अपने घर की से निकलकर और गांव से होते हुए ऑफिस की ओर जाने लगता है। उसकी पत्नी किचन में काम करने के लिए चली जाती है। इधर रमेश अपने गांव से होते हुए पहाड़ी इलाकों में जाते हुए, उसके गांव से पहाड़ी इलाके के रोड गुजरते थे, वहां से जाने लगता है ऑफिस। तभी उस गांव में एक पंडित आता है और वो गांव से गुजरते हुए सीधे रमेश के घर की तरफ जाता है और उसके घर पहुंचने के बाद सीढ़ियों से ऊपर जाता है और बाहर से आवाज लगाता है कि कोई घर में है, मुझे भिक्षा चाहिए, कोई है तो दरवाजा खोलो। तभी उसकी पत्नी जो दौड़ते हुए गेट के पास आती है और जल्दी जल्दी जाती है, दरवाजा खोल देती है और तांत्रिक को अंदर लेकर आती है और कहती है, तांत्रिक बाबा आप बैठिए, मुझे आपकी क्या सेवा करनी चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं आपकी कितनी सेवा कर सकती हूँ। तभी तांत्रिक बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तुम अन्न लाओ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तुम्हें मुझे मेरा पेट भरना ही होगा, जाओ बेटा जाओ मेरे लिए अन्न लेकर आओ। इतना कहता है और फिर जाकर रमेश की पत्नी कहती है, माफ कीजिएगा बाबा, मेरे घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको कहाँ से लाऊं? अगर अगर आप शाम को आइए तो मैं आपको आप पेट भर सकती हूँ, क्योंकि अभी इसके मेरे पति घर पे नहीं है। और ये सब कहते हुए उसकी पत्नी बहुत घबरा जाती है। तभी तांत्रिक कहता है कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे पति इस घर में कभी लौट कर नहीं आएंगे, तुमने एक पंडित का पेट नहीं भरा जा सका, अब तो तुम्हारा घर के पेट का कभी नहीं भरा आएगा। और तांत्रिक
बहुत ज्यादा श्राप देने लगता है, पूरे गांव को श्राप देने लगता है, कहता है इस गांव के सभी आदमी मर जाएंगे। और इतना कहकर पंडित बाबा अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो वो गांव से गुजरते हुए जाते हैं और उनको जाते समय बहुत शाम हो जाती है, और वो घने जंगलों से गुजरते हुए अपनी गुफा की ओर जाने लगते हैं। अपने गुफा की ओर पहुंचने के बाद पंडित बाबा अपनी गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद यहाँ पर रमेश ऑफिस से लौट रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। रमेश उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चुड़ैल से कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे दो बच्चे हैं, एक पत्नी है, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो उन सब भूख के मारे मर जाएंगे, मेरे घर में खाने के लिए भी खाना नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी सारी जो तुम कहोगी मैं तुम्हारा वो करूँगा। तभी चुड़ैल कहती है कि मैंने भी बहुत छोड़ने की और छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी पत्थरों के बीच मुझे मार दिया गया, किसी ने भी मेरी एक ना सुनी, तो मैं तुम्हारी कैसे सुन लूं, तुम्हें तो मरना ही होगा। इतना कहकर चुड़ैल तलवार निकालती है और रमेश की ओर बढ़ती है और रमेश पर हमला कर देती है। रमेश भी बहुत बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रमेश की एक ना चली और रमेश मर जाता है। चुड़ैल ऐसे करके गांव के सभी लोगों को मार देती है। द एंड। स्टोरी समाप्त हो गई।